हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मेरे घर का पूरा एक एक कोना जो है ना, अस्त व्यस्त हो पड़ा है। पूरा घर आज ऐसे हुआ पड़ा है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग सोचेंगे कि आज कैसा घर पड़ा हुआ है। तो बच्चे जब जाते हैं ना घर से, या दो चार दिन के लिए छुट्टियों में आते हैं, तो फिर पता है आप लोगों को उनकी तैयारी होती है, उनको जाना होता है, और सारे घर का जो है ना क्या हाल करते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, और अपना सामान जो इधर उधर फैला के जो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर पीछे से जो हम लोग रह जाते हैं समेटने वाले, तो बस वही है। आज बच्चे जो है आदि चला गया है हॉस्टल, और जो उसकी छुट्टियां थी 8-10 दिन के लिए हो गई हैं, तो बस गए हैं। और आज का ब्लॉग जो है, क्योंकि जगह मतलब सर्दियों के इतने मोटे मोटे कपड़े हैं और रखने की वही अस्त व्यस्त जगह हुई पड़ी है, तो चलो दिखाते भी है और करते भी है, क्योंकि आज ना पूरा दिन लगने वाला है। तो सुबह सुबह मैंने जो है काम करने के बाद, क्योंकि उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया था, और सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी इस टाइम पे सॉक्स भी पहनने हैं, दो दो कपड़े भी तीन तीन पहनने हैं, क्योंकि इस समय इधर जो है दिल्ली साइड बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सभी जगह तकरीबन थोड़ा सा कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे मौसम इस टाइम मतलब ठीक रहता है, लेकिन अपने इधर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। लेकिन सर्दी का भी अपना मजा है, खाने पीने की चीज़ें चलती हैं जो है, तो हर मौसम का एक अलग मज़ा रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को, हाउसवाइफ को आ जाती है, कि हम लोग ना काम भी करना है, हमें दिन भी छोटे होते हैं, और सारी चीजें जो है मैनेज करनी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब हो जाता है, तो चलते हैं स्टार्ट करते। सो गाइस लेट्स गो। तो जो है अब पूरा घर दिखा रही हूँ आप लोगों को, फैला हुआ इतना ज्यादा हुआ पड़ा है। तो क्योंकि अभी सर्दियों के कुछ ऐसा मौसम चल रहा है कि कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, गीले कपड़े होते हैं उनको भी जगह जगह टांगना, कुछ धोने वाले बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि बच्चे लेके आए थे, तो जब इकट्ठे हो जाते हैं ना और सूखते नहीं, धोने भी जरूरी हैं क्योंकि गंदे नहीं रख सकती हूँ। तो अभी ये हाल वो है, सुबह सुबह का दिखा रही हूँ। ये अलमारी भी बस मैंने जो है कपड़े वगैरह निकालूंगी, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आज स्पेशल थोड़ा सा वीडियो थोड़ी अलमीरा को लेके ही मैंने ऑर्गेनाइजर वगैरह जो है उनको लेके बनाया है। तो बस पहले अपनी अलमीरा और पूरा ये दिखा रही हूँ तो आप दोस्तों लोगों को। ये जो मैंने साड़ी के जो कवर हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। वैसे तो मैं चाहती तो घर पे बना लेती, सिंपल ही बनते हैं, कोई इनमें नहीं है, लेकिन कॉटन का जो है ना, इसका कपड़ा है ना जो बिल्कुल जैसे खादी कॉटन का कपड़ा है, तो इसमें सिल्क की या कोई भी साड़ियां जब हम रखते हैं तो उनकी जरी वगैरह जो है खराब नहीं होती है। मेरे पास दूसरे पहले ना ट्रांसपेरेंट थी, तो ट्रांसपेरेंट में क्या था, जिप वाली भी थी, तो उनकी या तो जिप में प्रॉब्लम आ जाती थी या जैसे फट गई कुछ भी है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। तो मैंने 12 का जो है सेट मंगाया है, एक सेट में ये 6 आते हैं, तो मैंने ये 2 सेट मंगा लिए, क्योंकि इनमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो हमें रिटर्न करने की जरूरत पड़े, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं 12 मंगा लेती हूँ, क्योंकि अपने पास साड़ियाँ ना ढेरों साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं, तो इनमें रखने के लिए, और जो बैग होते हैं उसके अंदर भी अगर हम रखते हैं तो इधर उधर जो भागती, तो मैं इनको यूज करने वाली हूँ। तो चलती हूँ, पहले तो क्या है कि जो अलमारियाँ भरी पड़ी है ना, हम कितनी भी ऑर्गेनाइज कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब हम कोई फेस्टिवल निकलता है या कोई शादी फंक्शन निकलते हैं उसके बाद ना, फिर व्यवस्था वैसे ही जो है हौच पौच हो जाती है, तो हमें ये चीजें रनिंग में करती रहनी पड़ती है। तो चलते हैं, और सबसे पहले जो है, क्योंकि मेरी ये अलमारी है जो बहुत मतलब एक साइड का मैंने ले रखा है, तो मैं सोच रही थी इसको मैं पूरे को ही ऑर्गेनाइज करके और इसी को पूरा सेट करूं, मैं कपड़े वगैरह सब इसी में एक तरफ करती हूँ, तो देखती हूँ कितना मुझे आज दिन में टाइम मिलता है, कितना काम कर पाती हूँ। तो चलती हूँ और इनमें साड़ियां जो है रख के देखती हूँ, और आप लोग जो है पूरा घर इस तरह से फैला हुआ पड़ा था, तो मैंने जो है आज सोचा कि क्यों ना फिर मैं थोड़ा सा अपने अलमीरा का काम कर लूं। तो अलमीरा क्या है, मेरे पास अभी आधी थी, तो जो है आधी अलमीरा में पूरे कपड़े तो आते नहीं है। तो जो है वीडियो आज आप पूरा देखना, हो सकता है कि कुछ टिप्स जो है आपके काम आए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर घर में जो है जरूरतें सबकी अलग होती हैं, घर अलग होते हैं, तो है ना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग देखते हैं या कुछ भी है तो उनको यूज करते हैं और बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अलमीरा को खाली कर रही हूँ। तो जो है अलमीरा मैंने खाली कर ली है, और पहले एक एक हिस्से को खाली कर रही हूँ, लेकिन ये आज पूरी ही खाली करूंगी क्योंकि जब तक हम पूरा सामान नहीं निकालते तब तक हमें जो है पता नहीं लगता। तो अभी मैंने जो साड़ियां निकाली हैं जो मेरे पास नीचे ही रखी थी, तो उनको मैं जो है कवर में डाल दे रही हूँ। कुछ कवर मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, कुछ कवर मैंने अभी जो ये वाले मंगवाए हैं, तो इनमें अभी मैं देखती हूँ, तो इनमें कोशिश करूंगी जो पार्टी वेयर हैवी साड़ियां हैं। अभी मैं साड़ी डाल के देख रही हूँ,
साइज का किस तरह से, तो इनका साइज बहुत अच्छा है। तो वैसे मैं 12 पीस है तो भी और दोबारा मैं मंगवाऊंगी, लेकिन पहले क्या कि जो हैवी साड़ियां हैं पहले उनको डालूंगी, और कि वो बहुत कम यूज में आती हैं और उनको हम साइड में रख देते हैं, तो मैं ऑर्गेनाइजर भी यूज करूंगी जो मेरे पास रखे हुए हैं। इस तरह से जो है साड़ियां डिवाइड हो जाएंगी, तो जो डेली वेयर बहुत ज्यादा जल्दी, तो हम लोग डेली वेयर में वैसे नॉर्मल पहनते नहीं है, लेकिन साड़ियां 2-3 कैटेगरी में होती हैं, तो जो पार्टी वेयर है उनको अलग रख दूंगी। और इस तरह से जो है तो सबसे पहले मैं अंदर से जो है साड़ियां सारी निकाल के और पूरी अलमारी जो है खाली करूंगी, और खाली करने के बाद ही डिसाइड होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज रखूं, क्योंकि मैंने ये देखा आधी अलमारी ऊपर की ले रखी है मैंने, आधी नीचे की, तो ऊपर नीचे के चक्कर में क्या होता है बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो हमारे बिना यूज के ही रह जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे पास कपड़े हैं, कि दिमाग से निकल जाती है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं एक ही अलमारी जो है कंप्लीट कर दूंगी, जिससे मुझे आइडिया भी रहेगा मेरे कौन से कपड़े निकलने वाले हैं, कौन से पहनने वाले। तो इस तरह से जो है सबसे पहले मैं, क्योंकि काम इतना ज्यादा आज फैलने वाला है पूरा, मैंने सामान जो है निकालूंगी अगर इतनी बड़ी अलमारी का तो फैलेगा, ऑर्गेनाइजर वगैरह भी है जो ऊपर से भी लेके आऊंगी। तो इस तरह से जो है ये सारे जो रखे हुए हैं, तो साड़ियां मेरी इसी इन्हीं ऑर्गेनाइजर में रखी हैं, लेकिन क्या होता है जब हम यूज करते हैं तो कभी इधर उधर जो है इस तरह से हो जाते हैं, तो ये सारे जो ऊपर रखे हुए थे, तो जो नॉर्मल साड़ियां वो मैंने नीचे रखी हुई थी, और पार्टी वेयर जो है वो ऊपर रखी थी। तो पार्टी वेयर में भी 2-3 तरह की होती है, तो मैंने क्या किया सभी ऑर्गेनाइजर खाली कर लिए यहाँ पे। तो इससे मुझे क्या हुआ, एक तो मुझे साड़ियों का आइडिया हो गया कि मेरे पास क्या है, किस तरह का कलेक्शन है, और क्योंकि हम रोज में तो ये चीजें मतलब यूज नहीं करते हैं, सूट वगैरह ज्यादा पहन लेते हैं तो वो चीज रहती है, तो साड़ियां मैंने निकाली, और निकालने के बाद जो है इनको अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो है ऑर्गेनाइजर में रख दूंगी। तो पहले क्या है जो मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजर यूज किए तो उनको भी खाली करके मैं हैवी साड़ियां ही उनमें डाल के रख दूंगी। ये जो दुपट्टे हैं तो दुपट्टे ऑफ सीजन के होते हैं, अगर हम इसी तरह से रख देंगे इनको, जगह भी बहुत घेरते हैं और खुल जाते हैं, तो आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह से जो ऐंठ के और गांठ लगा देते हैं, तो मैंने इस तरह से जो करके रखे हैं, और ये बेडशीट वगैरह इस पॉलीथिन में आई थी, ये पता नहीं सूट सूट आया था हाँ, तो जो सूट की पैकिंग थी पॉलीथिन बहुत अच्छी थी, तो सारे दुपट्टे मैंने उसमें इकट्ठे रख दिए हैं। और इधर जो है ये कपड़े ऑर्गेनाइजर वगैरह ये जो थे, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ना कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही उतार के रख देते हैं, अक्सर ये सभी क्या होता है बहुत अच्छे से नहीं रख पाते क्योंकि काम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी सारे मैंने अभी खाली कर दिए हैं। और नीचे की जो अलमारी है उसमें मेरा जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह छोटे छोटे सामान रखे हुए थे, तो आज मैं पूरा ही खाली करने वाली हूँ। ये जो ऊपर का जो मैं दिखा रही हूँ कवर, तो इसमें क्या था ये बड़े ऑर्गेनाइजर है, तो इनमें जो ऑफ सीजन के कपड़े होते हैं या बिस्तर वगैरह थे इस तरह से थे, लेकिन अब इसको मैंने खाली कर दिया है क्योंकि तो बिस्तर मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं, अभी इसमें भी रजाइयां हैं जो, तो इसको मैं पूरा जो खाली हो गया था अभी जो 2-4 बैग रह गए हैं इनको भी वहां अलग शिफ्ट कर दूंगी, और सिर्फ मैं अपने कपड़े ही इसमें रख दूंगी, तो जिससे मुझे ये रहेगा कि मेरे ही कपड़े इसमें रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी अलमीरा की जो ना गहराई काफी ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा है कि मतलब पीछे तक हाथ भी नहीं पहुंचता है, तो समझ में नहीं आता कि आधी यूज होती है आधी नहीं, तो इस वजह से मुझे ऑर्गेनाइजर लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो ऊपर मैंने बैग रख दिए हैं इन बैगों में मेरी पार्टी वेयर साड़ी है मैंने ऑर्गेनाइजर में करके और इस तरह से जो रख दिए हैं, और कॉटन के सूट है जो कि ऑफ सीजन में हम पहनते हैं वो सूट वगैरह है, तो इस तरह से। और ये साड़ियां हैं कुछ जो नहीं पहनते हैं कम यूज में आती हैं, ब्लाउज का जो है पैकेट, तो इसमें ब्लाउज रखे हुए हैं, इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि ऊपर भी इसमें इस तरह के रख दिए, और अभी जब नीचे की अलमारी सेट करूंगी तो भी सामान अभी रखने के बाद ही पता लगता है, तो इसको मैं अच्छी तरह से जो है साफ कर दे रही हूँ। अक्सर मैं इसमें क्या करती थी कि बेडशीट वगैरह है या जो ब्लैंकेट है वो रख देती थी क्योंकि गहरी ज्यादा है, तो अब वो सारी चीजें मैंने इसमें से हटा दी है, तो ये ऑर्गेनाइजर जो है अब इनमें साड़ी में अलग अलग जो है कर रही हूँ कि किसमें कौन सी रखनी है, थोड़ा सा इनमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन आगे के लिए जो है ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और जगह काफी निकल आएगी सब मेरा में ही। तो मैं आप लोग जो है बने रहिएगा, देखते रहना। और इनमें क्या मेरे पास ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन थी ना ये भी नई रखी हुई थी, तो ऑर्गेनाइजर इतने सारे तो थे नहीं कि मैं सारी कवर कर दूं, तो उन जो पॉलीथिन थी उनमें पैकेट में मैंने डाल के उनको
सील कर दिया। ये जो ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं आपको, तो कोई भी चीजें गृहस्थी में एक साथ तो आती नहीं है। जैसे ये है, तो इनमें मैंने कर करके जो है रख दी है, तो जब मैं ऑर्गेनाइजर मंगाऊंगी तब उनमें डाल दूंगी। एक साथ चीज कभी भी नहीं हो पाती है, सारी जिंदगी लग जाती है हमें गृहस्थी बनाने में, तो धीरे धीरे करके चीजें हो जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजर भी मैं आज से नहीं, करीब 2-2.5 साल से धीरे धीरे ले रही हूँ, तब मेरे पास ये जो हो पाए हैं। और अभी भी अब जो मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है, मुझे छोटे ऑर्गेनाइजर की जरूरत लग रही है, बड़े साइज है मेरे पास। तो कोशिश करूंगी अगर मैं मार्केट मतलब गई तो इस हो सकता है मैं शाम तक ले आऊं, और नहीं मिले तो फिर ऑनलाइन मंगाऊंगी तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो ये जो है ये बीच का साइज है, और यहाँ मार्केट लोकल मार्केट से ही मैंने ले लिया था, इजिली मिल गए थे। और इसमें क्या है कि ये इस तरह से ही जो लगे हुए हैं फिर ये इस तरह से रहते हैं, झुकते नहीं है, दबते नहीं है, तो इनमें कपड़े बिल्कुल अच्छे से रह जाते हैं, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो ये मैंने ऊपर के कमरे में जो है रस्सी बांध दी है, क्योंकि बच्चे जो कर्टन वगैरह लेके आए थे वहां से धोने के लिए, तो उनको धो दिया है, क्योंकि गंदे रख नहीं सकते, तो ये ऊपर कमरे में जो है सूख जाएंगे, और उसके बाद फोल्ड करके रख दूंगी। तो अलमारी जब पूरी खाली हो गई है, तो क्या होता है कि गृहस्थी में बहुत चीजें होती है, और ऐसी भी चीजें जो हम ऐसा लगता है हमें कि हमें सामने ही रखनी जरूरी है, कि हमें जब भी जरूरत पड़े हम ले लेते हैं। उसमें से ये जो है दवाइयों का एक डब्बा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा काम का होता है। तो ये जो छोटे छोटे प्रसाद के पैकेट आते हैं, तो ये जो है इनको मैंने खाली किया, और टेबलेट्स वगैरह होती है ना, जैसे किसी में 2 बच गए, चाहे 3 बच गए, 1 बच गए, इस तरह से वो पूरे डब्बे में जो है फैल जाती है, तो इन डब्बियों में मैंने करके रख दिया। ये मोबाइल का जो है डब्बा है कवर, तो इसमें इस तरह से जो पार्टीशन बन गया, तो चीजें जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई और ज्यादा सारी चीजें आ गई। तो क्योंकि मैंने यहाँ से अब हटा दूंगी सामान, तो मुझे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मुझे इजिली मिल जाए। तो ये जो एक सब्जी वाले जो ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाए थे, उस मैंने उनमें से एक ये ले लिया है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें हमें सामने से ही चाहिए होती हैं। तो ये ड्रॉयर है, इसी अलमीरा में मैंने 3 ड्रॉयर बनवाए थे। अच्छा, ये जो घड़ी के आते हैं या मोबाइल के आते हैं, इस तरह के बैग आते हैं ना, ये काफी हैंडी रहते हैं और बहुत मजबूत भी रहते हैं। इसको मैंने डाला तो ये ड्रॉयर के अंदर नहीं जा रहा था, थोड़ा बड़ा साइज था, तो इनके कोने मैंने कट करने के बाद अंदर फोल्ड कर दिए, और इस तरह से क्या होता है ऊपर चीजें जो है दिखती रहती हैं। तो बस इसमें जो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें यूज में, तो वो गृहस्थी में बहुत चीजें होती हैं, कुछ हमें डेली यूज आती है, कुछ हमें हफ्ते में आती है, कुछ महीनों में आती है, तो इस तरह से जो है पर चीजें चाहिए सारी पड़ती हैं, और कब कौन सी चीज हमें कहाँ काम आ जाए ये नहीं पता लगता। तो अभी मेरे पास क्या है, इतना बजट नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई रेगजीन वगैरह बिछा दूं, मैंने जो गिफ्ट पेपर थे वही बिछा दिए हैं, वो रखे हुए थे मेरे पास, तो मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो बॉक्स है, तो ये गिफ्ट बॉक्स है अमेजोन का, तो अभी बेटे का जो न्यू ईयर पे गिफ्ट आया था उसी का बॉक्स था, और बहुत ये हार्ड होते, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं खाली डिब्बे, तो इनको फेंकने की जरूरत नहीं होती है, चाहे मिठाई के हों, चॉकलेट्स के हों, इस तरह से। तो इसमें मैंने क्या किया, जो हेयर एसेसरी वगैरह होती है जो हम शादी फंक्शन में साल दो साल में यूज करते हैं, लेकिन जरूरत भी होती है उनको, हम फेंक भी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैंने सारी इसी में करके रख दिया। ये हेयर ड्रायर मेरे पास 2 थे, ड्रेसिंग भी भर रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें रख दिया। एक स्ट्रेटनर भी है, वो भी है, इस तरह के जो सामान यूज में नहीं आ रहे हैं तो उनको मैंने जो है इस तरह से पैक कर दिया है, और इसको मैं साइड से रख दूंगी। बस इतना पता लग गया है कि मेरा सब इसी अलमारी में जो मैं रखने वाली हूँ। ये जो आईफोन का बैग है, इसका साइज बड़ा है, तो इनमें क्या है जो कैप वगैरह होते हैं ना, वो मैंने इसमें, क्योंकि बुलन के कैप अभी इस टाइम पे मोटे मोटे होते हैं, तो इससे में जो है ना 4 से 5 कैप आराम से आ जाएंगे, और इसको मैं साइड से रख सकती हूँ। तो इस तरह की चीजें है ना, अब ये देखिए कितनी जगह इसमें निकल आई है। और ये जो बैग है जिप वाला, हैंगर इसमें लगा हुआ होता है, तो अक्सर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर होते हैं, और हमें ऐसा भी होता है कभी भी उनकी जरूरत भी पड़ जाती है, तो वो पेपर जो है मैं इसमें रख देती हूँ। और क्या होता है जैसे बिल वगैरह होते हैं, अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी है हाथ में आया तो इधर उधर रखो तो चीजें मिलती नहीं है, तो ये हैंगर मैंने इसीलिए कर रखा है कि जब भी मेरे हाथ में कोई स्लिप, कोई पर्ची, कुछ भी आता है तो मैं इसमें रख देती हूँ, और बाद में जब आपके पास टाइम हो आप उनको निकाल के अपना डिवाइड करके रख सकते हैं कि इनको हमें कहाँ रखना है। कार्ड वगैरह होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें संभाल के रखनी होती हैं, तो इनमें पॉकेट बनी हुई है, तो इसको मैं
टांग दूंगी, कहाँ पे हैंग करूंगी अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने अलमीरा खाली की थी तो पर्स भी हो जाते हैं, क्लच हो जाते हैं, तीन चार तरह के, तो उनको भी जो है सेट करके रखना है क्योंकि वो डेली में भी यूज आते हैं। अच्छा, बैंगल्स का क्या होता है, जब मैचिंग के बैंगल्स लेते हैं तो खूब सारी बैंगल्स भी इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ इनको हम थोड़ा सा हटा भी नहीं सकते हैं, थोड़ा मन में विचार आता है कि सुहाग की निशानी है, इनको हम ऐसे ही नहीं कहीं भी कर सकते, तो ये ना काफी इकट्ठी हो जाती हैं और ये हर किसी के साथ ही इस तरह से होता है, यूज करते हैं। और जब भी हमें कभी लगता है, तो अब मैंने क्या कर लिया, अब मैं मैचिंग की बहुत कम लेती हूँ, मैं इस तरह से मल्टी लेती हूँ जो मेरे कई ड्रेसों के साथ जो है काम आ जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जो मैचिंग की रखी है काफी दिनों से है और उनको हमें नहीं हटाना है, तो उनको पैक करके भी रखना है क्योंकि चीजें कॉस्टली भी आती है और जरूरत की भी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजर बड़ा था, इसी में मैंने सारी करके रख दी है, और ये जो नीचे का था कवर्ड, उसी में इस तरह की चीजें रखी है जो कम यूज आने वाली है। तो इधर जो है, क्योंकि जब हम कम चीज यूज करते हैं तो उनको देर बाद निकालते हैं, तो उनको हम साइड से रख सकते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके खाली करती जा रही हूँ। तो ये जो पर्स है सारे मैं इस ऑर्गेनाइजर में जो है करके रख दूंगी। और कुछ पार्टी वेयर होते हैं जिन्हें बाद मतलब कम यूज होते हैं, तो एक साथ ही रख दूंगी मैं इनको, क्योंकि जो डेली के लिए बस मैंने एक या दो, उनको मैं निकाल के अलग रख दूंगी क्योंकि बार बार भी डब्बे को निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये कैमरा वगैरह भी मैंने इसी में रख दिया है क्योंकि कैमरे पहले चलते थे, वो कैमरा है, तो इसमें कुछ थोड़ा काम भी कराने वाला है, लेकिन अभी मैंने इसको साइड में करके जो है रख दिया। ये ऑर्गेनाइजर पैक हो गए हैं, साड़ियां मैंने सारी डिवाइड जो है कर दी है, तो काम तो थोड़ा फैल रहा है, लेकिन हाँ ये काम अब जब इसको मैं सही पूरी अलमारी सेट हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से, इसमें जगह काफी निकल आएगी। और ये बॉक्स मैंने इसलिए इधर अंदर देखना, अभी आपको इतने अंदर कर दिए हैं, इतनी गहरी है ये, तो इसमें डबल डबल ऑर्गेनाइजर जो है एक बार में दो आ गए, तो जो डेली यूज के हैं उनको मैं आगे कर दूंगी और जो कम यूज में होंगे उनको मैं दीवार से बिल्कुल पीछे इस तरह से जो है सटा दूंगी। तो इनको मैंने पीछे कर दिया है, इनमें साड़ियां हैं जो दिखती भी रहेंगी और मुझे पता भी लगता रहेगा, लेकिन यूज में कम होंगी। और ये इसमें मैंने जो है वुलन के अपने स्वेटर्स वगैरह वो रख दिए हैं, तो ये लगा के देखा मैंने कि लग रही है कि नहीं, तो इसमें तीन तो ऑर्गेनाइजर आराम से आ गए, अभी चौथा भी रखना चाहूँ आ जाएगा। ये जो एरिया था हमारे यहाँ, पहले मैं किचन थी तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मोटिवेट करवाया था चारों तरफ से, तो इसको मैंने कवर्ड करा दिया था, इसमें गहराई काफी है, इसको मैंने बिस्तर के लिए यूज कर लिया है क्योंकि ना गर्मी सर्दी के बहुत सारे जो है आजकल हर चीज की कैटेगरी हो गई है, तो वही चीजें, दरिया है, कंबल है, रजाई है, गद्दे हैं, सारी चीजें इसमें बहुत आसानी से आ जाती है, तो मैंने इसमें कर दिया जिससे मेरी अलमारी जो है खाली हो गई है। ये जो है तो काफी दिन पहले से इस तरह से रखा हुआ था, कब चीज कौन सी काम आ जाती है ये पता नहीं लगता। यहाँ पे मैंने अपने सारे सूट जो है हैंग कर दिए हैं और पीछे गहराई ज्यादा है तो वहां पे इसको डबल साइडेड टेप से करके हैंगर को मैंने कर दिया है। ये ऑर्गेनाइजर जो घर में बनाए हुए हैं ये भी बहुत काम आते हैं क्योंकि इनके कार्टून बहुत मजबूत होते हैं, तो इसमें सारे पेटीकोट्स जो हैं वो मैंने करके और जो है बैक साइड में पीछे सरका दिए हैं, पीछे रख दिए, क्योंकि जब साड़ियां यूज में नहीं आ रही है पेटीकोट भी तभी जरूरत पड़ती, तो वो मैंने पीछे रख दिए हैं और आगे ऑर्गेनाइजर जो कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है इनको अलमारी को मैं पूरा यूज करने वाली हूँ, जो कि मेरी आधी आधी जगह काफी दिनों से वेस्ट हो रही थी, तो जो है यहाँ से कपड़े आसानी से निकल आते हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि सर्दियों के मोटे कपड़े होते हैं, तो ये सनग्लासेस वगैरह है, पाउच है ये, तो ये इस तरह से इसी डब्बे में करके रख दूंगी जिससे कि कहीं जब हम जाते हैं ट्रेवल वगैरह में तो ये चीजें काम आती हैं। तो ये भी मैंने सारे अपने अलमीरा के जो है नीचे रख दिए हैं। ये जो है इसमें ये छोटी छोटी डब्बियां होती हैं तो ये बहुत काम आती हैं, तो इसमें मैंने पेन ड्राइव है और जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं इनको मैंने रख दिया है। ये क्या होगा कि इसमें आसानी से छोटी चीजें, ये इससे क्या लैपटॉप वगैरह साफ हो जाता है, ब्रश जो आते हैं ये, तो इनको मैंने इसमें डिब्बी में करके और इसी बास्केट में रख दिया है, क्योंकि जब हम एडिटिंग वगैरह करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तब ये काम आती है। तो ये वायर है, ये भी ऑर्गेनाइजर ग्रीन वाले जो मंगाए थे इनसे जो है फोल्ड करके रख दिए ट्राइपॉड, जो मेरे ये काम डेली में आने वाले हैं
मुझको मैंने इस बास्केट में ही रखा हुआ है, तो इस बास्केट को ड्रॉयर इतना खाली हो गया है कि मैं इसमें भी रख सकती हूँ और टेबल पे भी यूज कर सकती हूँ। तो इसको मैंने टेबल इसमें ऑर्गेनाइजर में रख के देखा, वो तो बहुत अच्छे से हो गया है ये ड्रॉयर में सेट। ये जो डब्बे हैं इसमें मिठाइयाँ आती हैं, चाहे जैसे रसगुल्ले, गाजर का हलवा, इस तरह के जो डब्बे आते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको कुछ कवर नहीं किया। और जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास डबल है, कम यूज हो रही है और हमें जरूरत कभी भी पड़ सकती है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको करके रख दिया। इनको वर्टिकल भी रख सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो इनको मैंने जो है ड्रॉयर में यूज कर लिया है। इस तरह से जो है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी ये जो नीचे सारी चीजें हैं रख दी, आप देख सकते हो कि कितनी अलमीरा जो है खाली हो गई है। इसकी गहराई देखिए आप कितनी है, तो इसमें काफी यूज हो जाएंगे। ये जो कपड़े हैं, ये वूलन की कुर्तियां हैं, ये स्टॉल है, शॉल है, इनको मैंने सामने रखा हुआ है क्योंकि मैं, और ये जो बैंगल्स है, तो ये बैंगल्स का पूरा मैंने ये ड्रॉयर ही बनवाया था, तो ये भी रखी हुई है। एक्स्ट्रा जो थी वो मैंने नीचे बॉक्स में करके रख दी है। अब यहाँ पे आप देखना कितनी जगह ये निकल आई है। तो इनमें भी क्या है, छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजर वगैरह ना, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं ले आऊंगी, और इनमें जो चीजें हैं आगे आगे और ज्यादा अच्छे से यूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने खाली करके जो ये फोटो वगैरह होती है, जो अक्सर हम क्या करते हैं फोटो खिंचवाते हैं, और वो हमें जरूरत भी पड़ती है, बच्चों की है, बड़ों की है, सभी जगह थी, तो मैंने इनमें सामने इसलिए रख दिए जिससे ये मुझे इजिली दिखती रहेंगी। पुराने जो मोबाइल हो जाते हैं, 4-5 मोबाइल आजकल नॉर्मल घरों में पड़े होते हैं, उनको फेंक भी नहीं सकते हैं, कभी काम आते हैं, ठीक कराने होते हैं, तो मैंने इसमें रख दिए हैं। और ये ऑर्गेनाइजर जो है मैं ले आई हूँ, तो मुझे क्या था कि घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब रेंज में ही था, तो मैंने कहा देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल गए तो मैं ले आऊंगी। तो ये ऑर्गेनाइजर मुझे मिल गए हैं, और जैसे कपड़े वगैरह जो बाहर थे, तो मैं ये एक मीडियम साइज का लेके आई हूँ, ये इस तरह से जो है, जो मेरे पास पहले भी थे लेकिन सेम कलर तो नहीं मिलते हैं, ये उससे भी छोटा साइज का है। इनमें कई कैटेगरी होती है, इससे बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, और ये बहुत जेन्युइन रेट में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ना धीरे धीरे करके, दो दो तीन तीन करके आपका पूरा वार्डरोब जो है तैयार हो जाता है। ये जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे अच्छे जो है यही ऑर्गेनाइजर लगे, क्योंकि इनमें जो लिड लगी हुई है, इस तरह से ये पूरा बॉक्स बन जाता है, और ये देखिए पूरा कवर हो गया है। तो जो आप कुछ भी चाहे, जैसे छोटे बच्चे हैं उनका सामान वगैरह रख के बंद कर सकते हो, बड़े बच्चे हैं या फाइलें वगैरह हैं, कुछ भी है, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से ये बहुत मुझे सही लगे। और ये रेट इनका क्या था, शायद ये 240 रुपीज, मतलब 240 रुपए का ये एक मुझे पड़ा है, बहुत जेन्युइन रेट में पड़ा है। और जो बड़ा वाला था वो मुझे 380 का पड़ा है, और जो बीच वाला है वो 350 का, 350 का। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि रेट भी इनके बिल्कुल, मतलब मुझे जेन्युइन लगे हैं, क्योंकि चीज, और इनका बिगड़ता कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक जगह रख के इनको यूज करते हैं, तो ये बॉक्स मुझे बहुत सही लगे। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये मैं लेके आई थी बेडशीट के लिए, क्योंकि जो बेडशीटें हम चेंज करते हैं तो फिर धो के रखते हैं, उनके लिए भी जगह चाहिए हर वक्त बेड में रखना, और नहीं, लेकिन अभी क्या सर्दियां हैं, मोटी बेडशीट है, तो मैं थोड़ा बड़ा इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि बड़े मेरे पास ऑलरेडी थे। तो अभी क्या है, इसमें कम से कम 4 बेडशीट आराम से आ जाएंगी, वही मैं रख के देखने वाली थी। और गर्मियों की जो है वो तो 8 से 10 आराम से आएंगी, तो मैंने ये वाला जो है लेना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि सर्दियां जो है अभी थोड़े दिन रहती हैं, गर्मियों में तो हम 8 महीने जो है चीज को यूज करते हैं, उसी हिसाब से लेनी चाहिए। अगर मैं आज के हिसाब से ले लेती तो सारे बड़े बड़े ही हो जाते और फिर रखने में दिक्कत आती। तो फिर मैंने जो है साइज का थोड़ा सा यही देखा कि एक की बजाय अगर आप 2 यूज कर लेते हैं, लेकिन वो रखने में बहुत हैंडी हो जाते हैं, वजन भी उनमें उतना रहता है, तो चीजें फटती भी नहीं है। तो ये अब देखने में साइज छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये साइज बहुत अच्छा है, और इनकी गहराई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कुछ जो सामान है, जैसे ब्लाउज पीस वगैरह थे वो मुझे करने थे, ये साड़ियाँ 2-1 बाहर रखी थी, तो मैं यही रख के देख रही हूँ कि इनमें जो है जो सामान फैला हुआ था, काम भी बाद में और भी बाद में हो जाता है, तो मैंने रख के देखा इसमें काफी चीजें जो है आ गई हैं। और कपड़े भी रख के देख रही हूँ, तो बहुत सारे इनमें कपड़े आते जा रहे हैं, टॉवल वगैरह एक्स्ट्रा जैसे है, तो कैप है जो हम कम यूज करते हैं, इस तरह से जो है, तो मैंने रख के देखा इसमें बहुत सामान आ गया। और मैं इसको जो है यही जो पेपर है, गिफ्ट पेपर है, उनको बिछा दे रही हूँ, क्योंकि कभी भी फिर मैं लेके आऊंगी सीट वगैरह, थोड़ा सर्दियों के बाद मौसम खुलेगा भी, तो क्या है कि मार्केट जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। आज भी गई थी तो बहुत सर्दी हो रही है बाहर,
लेकिन मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ, मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि काम जो है फैला हुआ है तो मिल गए थे इसलिए मैं ले आई। तो ये नीचे मैंने बेडशीट वाला ये भी रख दिया है, ये अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये पीछे तक जो है आ गए, इसमें एक और आ जाएगा, ये आप देखिए यहाँ पे सरका के और ये निकाल सकते हैं, और ये दोनों है तो दोनों एक साथ ही जो पीछे तक आ गए हैं इनमें है। तो ये जो आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि जो फैला पसरा था वो सारा जो है हो गया। तो मैंने जो है एक बास्केट में अपनी लेगी जो है रख रखी थी, तो अभी ये मैं ऑर्गेनाइजर जब लेके आई हूँ तो मैं उसको खाली कर रही हूँ। तो इनकी गहराई अच्छी है, तो सारी लेगिंग है जो मेरी वो इसी में आ जाएगी। और उससे क्या होगा, बाहर से आप निकाल सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजर नहीं लाती मैं अभी, तो फिर मैं उसी में रखी रहने देती। तो इस तरह से जो है मैंने पूरी अलमीरा अपनी जो है सेट की है। टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, लेकिन हाँ ये है कि काम भी मेरा बहुत हो गया है, जो कि अक्सर सभी की प्रॉब्लम्स होती है कपड़ों को लेके। तो कपड़े हमें कभी ऐसा होता है कि अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो पीछे कपड़े रखे रहते हैं, हमें वो पता भी नहीं लगते। और मेरी अलमारी की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी गहरी ज्यादा थी, तो कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं उसको नहीं कर पाई। और कभी कभी क्या होता है, चीज जगह जो है ना यूज करने के बाद हमें उसके प्लस माइनस समझ में आते हैं। तो ये सारी लेगी जो है इसमें हो गई है, तो ये रख दी है। और अभी इसमें और भी थोड़े आ सकते हैं, और इस तरह से जो डब्बे थे मेरे वो भी खाली हो गए हैं, एयरटाइट कंटेनर हैं जो, तो इनमें भी सामान करके मैंने जो है रख दिया है। और ये इस तरह से ये आप देख रहे हो। अब जब कभी मेरे पास और लगेगा तो मैं नीचे के लिए, इसके लिए जो बास्केट वगैरह है, ये जो हाथ से ऑर्गेनाइजर बनाए ये भी बहुत काम आते हैं। और इस तरह से मैंने करके पूरा रख दिया, जगह कितनी खाली निकल आई है। अभी मैं इनमें काफी सामान और भी रख सकती हूँ, तो जो है आप बताइएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने ना अलमीरा को कल कैसे ऑर्गेनाइज किया, और जो चारों तरफ मेरे कपड़े फैले हुए पड़े हुए थे, दो दो तीन तीन अलमारियां भरी थी, तो उनमें मैंने जो है सारी अलमारी पूरी अपनी जो खाली करके और दोबारा से सारा ऑर्गेनाइज किया। और ऑर्गेनाइजर भी आज जो मैं लेके आई, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया था इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि कुछ चीजें जैसे हम यूज करते हैं ना तभी हमें जरूरत लगती है। तो फिर मैं मार्केट गई और मुझे जो है दो तीन जो ऑर्गेनाइजर चाहिए थे वो मुझे इजिली मिल गए, तो फिर मैं लेके आके वो मैंने अभी आज जो है कंप्लीट किया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगा, नहीं लगा, या जो भी है और कुछ इसमें आइडिया हो सकता था जो मुझे समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और देखते रहिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज चलते हैं और देखते हैं, सो गाइज थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।